बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। गोपालगंज यात्रा पर निकलने वाले तेजस्वी यादव और साथ में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के ऊपर केस दर्ज कर लिया गया है। लॉकडाउन तोड़ने का केस उनके ऊपर दर्ज हुआ है, साथ ही साथ लगभग 32 नेताओं का नामजद केस दर्ज किया गया है, साथ ही 60 अज्ञात नेताओं पर भी केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि शुक्रवार की दोपहर ही इस बात की जानकारी दी गई थी कि सरकार तेजस्वी यादव और उनके नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सकती है। तेजस्वी यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव, जगदानंद सिंह, अब्दुल बारी सिद्दीकी समेत राजद के 32 नेताओं को नामजद किया गया है, जबकि 60 अज्ञात नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ अलग अलग धाराओं में FIR दर्ज की गई है। सरकार ने पूरे बिहार में लॉकडाउन लागू कर रखा है, इसमें किसी तरह के सियासी जमावड़े पर पूरी तरह से रोक है। पुलिस कह रही है कि तेजस्वी ने और उनके समर्थकों ने सुबह न केवल लॉकडाउन का उल्लंघन किया बल्कि फिजिकल डिस्टेंसिंग के सरकार के निर्देशों को भी ताक पर रख दिया। अब इस पूरे मामले को लेकर RJD के जो प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी, क्या कुछ कहा है उन्होंने, आप खुद सुनिए इस वीडियो में। तेजस्वी यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं पर सरकार ने FIR किया है। सरकार अपराधियों का मनोबल बढ़ा रही है, अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है, उसको सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है। हजारों की मोटरसाइकिल के जुलूस निकाले जा रहे हैं, आए दिन सरकार के लोग लॉकडाउन का और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जी उड़ा रहे हैं, उस पर सरकार की नजर नहीं है, पुलिस प्रशासन की। लेकिन तेजस्वी यादव जी ने जब भरी हुंकार, डर गई नीतीश सरकार, कर दिया FIR। हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव जी FIR से डरने वाले नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के लोग, हम न्याय दिला करके ही रहेंगे पीड़िता को, और बिहार को अपराध से मुक्त करा करके ही हम चैन लेंगे। नीतीश कुमार जी की सरकार को स्पष्ट राष्ट्रीय जनता दल आगाह कर देना चाहती है, बिहार में लॉकडाउन के आड़ में जिस तरह से अपराधियों का तांडव हो रहा है, जिस तरह से पूरे बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं, मजदूर जिस तरह से भूखे मर रहे हैं, उस पर राष्ट्रीय जनता दल नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव जी चुप नहीं बैठेंगे। चाहे आप लाख FIR कर लीजिए, सरकार का ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। सत्ता में बैठे हुए लोग एक तरफ सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन की खुल्लम खुल्ला अवहेलना कर रहे हैं, और नेता विरोधी दल लॉकडाउन के और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, उनको FIR किया जाता है उन पर, ये डराने के लिए कि ये जनता की आवाज को नहीं उठाएं। तेजस्वी यादव जी बिहार के 11 करोड़ जनता की आवाज बनकर के सामने खड़े हैं, और बिहार को अपराधियों से मुक्त करने के संकल्प तेजस्वी यादव जी ने लिया है। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।